इस वाली बाइक के साथ बहुत ही ज्यादा वाला मजा आने वाला है। सो यार देखो, मैंने सारे गली वाले जाग जाएंगे। और देखो आज का व्लॉग ना हम अभी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा क्या है कि आज का जो अपना प्लान है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त क्यों होने वाला है वो इस करके, एक तो ना मेरे को सबसे पहले अभी जाना है पैसिफिक मॉल मेरे को इस करके जाना है बिकॉज ये वाला जो मेरा फोन है ना जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये ना भाई साहब वीडियो बनाते बनाते ना हैंग हो जाता है, जबकि ये ना 14 प्रो है। बट फिर भी पता नहीं भाई साहब इसके अंदर ये दिक्कत क्यों आती है। इनफैक्ट मैंने 11 भी यूज किया, 12 भी यूज किया, 13 भी यूज किया, बट उनमें ना ये वाली दिक्कत मेरे साथ कभी भी नहीं आई कि वीडियो बनाते बनाते ही बीच में वीडियो रुक जाती है और फोन हमारा हैंग हो जाता है, साथ के साथ फोन ना हीट भी मार जाता है। तो इसलिए मेरे को ना अभी अपने घर के पास ही पैसिफिक मॉल वाली साइड पे जाना है बिकॉज वहां पे ना इसका सर्विस सेंटर है। ये वाला फोन एक बार वहां ले जाके चेक कराएंगे एक तो, और दूसरा सीन आज का ये है जो बहुत ही ज्यादा वाला धांसू होने वाला है। धांसू क्या होने वाला है कि आज रात को मेरे को जाना है दलजीत पाजी के घर पे। दलजीत पाजी हमारे वो है जिनके पास ना यार हमारे ग्रुप में ना बड़ी बड़ी वाली बाइकें हैं, ठीक है। तो होंडा गोल्डविंग भी मैंने जो चलाई हुई है ना, जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे या पहले मेरे किसी वीडियो में देखी होगी, तो वो बाइक भी उन्हीं की थी। और इसी तरीके से सेम बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपनी हार्ले को भी बनाया हुआ है। सो आज का सीन अपना ये है कि मेरे को ना उनके घर पे जाना है, वहां से मेरे को हार्ले उठा के लेकर आनी है बिकॉज जो उनकी हार्ले है ना गाइस वो तो यार बहुत ही ज्यादा वाली ना मुआ वाली है। वैसे तो उनकी होंडा गोल्डविंग भी बहुत प्यारी है, अपनी भी जो बीएमडब्ल्यू है ना वो भी बहुत प्यारी है, बट स्टिल यार मेरा मन था कि चलो थोड़े दिन ना वो वाली बाइक को चलाते हैं क्योंकि उसके अपने मजे हैं और हमारी बाइक के अपने मजे हैं। और वैसे भी जो जल्दी पाजी के पास जो हार्ले है ना उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है बहुत ही जबरदस्त वाला, उसके अंदर ना स्पीकर उन्होंने ना आगे भी लगाए हुए हैं एंड पीछे भी लगाए हुए हैं, मतलब चार स्पीकर्स लगे हुए हैं उस बाइक के अंदर। जनरली क्या होता है दो स्पीकर्स लगे होते हैं बाइक के ऊपर, बट उसके अंदर चार स्पीकर लगे हुए हैं और उसकी जो आवाज़ आती है ना साथ के साथ, वैसे भी एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा हुआ है उसके अंदर और बहुत ही प्यारी 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 ना लाइट्स वगैरह भी लगी हुई है जिसको रात को चलाने में ना गाइस बहुत ही ज्यादा वाला मजा आता है। तो आज का सीन अपना यही है कि मेरे को रात को उनके घर जाना है, उनके वहां से बाइक उठा के लेकर आनी है। बट उससे पहले ना यार जरा मैं पैसिफिक मॉल वाले काम निपटा लूं, मोबाइल वाला और उसके अलावा जो भी मेरे अपने दुकान के काम है ना वो निपटा लेते हैं, फिर हम ना रात को वहां पे चलेंगे। तो बहुत मजा आएगा आपको इस ब्लॉग के अंदर। हाँ जी, जो हमारे सामने ये जो लिफ्टर खड़ा हुआ है, ये वाला लिफ्टर बेसिकली कई लोग इसको क्रेन बोलते होंगे या कई लोग इसको लिफ्टर बोलते हैं, वैसे ही पे लिखा हुआ है मैन लिफ्ट, तो मेरे हिसाब से भी ये लिफ्टर ही है। इसको चलाने का यार एक ना नेक्स्ट लेवल का ही ना एक्सपीरियंस होता होगा, वैसे बहुत मज़ा आता होगा इसको चलाने का। कभी मौका मिलेगा ना तो इसको मैं ज़रूर चलाऊंगा। वैसे मेरे को पता है जल्दी से मौका मिलेगा नहीं क्योंकि इसके लिए ना एक तो देखो लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होता है, अपने पास ऐसा कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है। बट फिर भी किसी खाली ग्राउंड के अंदर छोटा मोटा अगर राउंड मारने को मिला ना इसका, तो यार इसका राउंड मारने का ना बहुत मन है यार। देखो अगर आपका किसी का लिंक है ना तो यार प्लीज़ एक बार ना यार इसका ना राउंड दिलवा दो यार। बाकी देखो आज का ब्लॉग ना हमारा ना यहाँ से स्टार्ट होता है, हम आए हुए हैं पैसिफिक मॉल, यहाँ पर एप्पल का स्टोर, ये जो मेरा मोबाइल है जिससे बेसिकली मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता होता हूँ ये ना यार थोड़ा सा तंग कर रहा है, ये हैंग हो रहा है, तो साथ के साथ ना थोड़ा सा हीट भी मार जाता है। तो अपने को ना यार ये जो मोबाइल है ना इसको ज़रा चेक करवाना है यहाँ से, तो चलते हैं अंदर चेक करवाते हैं और उसके बाद फिर आपको आगे का बताते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर जिस काम से आया था ना अपना वोला काम, वैसे तो हो गया, उन्होंने मेरे को समझा दिया है कि मेरे को एक दो चीज़ें काम करनी पड़ेंगी, मतलब मेरे को ना बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करा हुआ तो सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा, तो कह रहे हैं कि आपकी शायद ये वाली प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। और बाकी यहाँ पर अभी ना किसी ने मेरे को मिलने के लिए आना है तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो मिल लेगा उसके बाद हम निकलेंगे वापस अपने काम पर, है ना जी। ना दाने दाने पे लिखा होता है खाने पीने वाला का नाम, तो देखो इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था और ये अपने लिए ना स्पेशल लेकर आए हमारे बत्रा जी। और बत्रा जी ना बेसिकली मैं बता देता हूँ ये वो है जो बहुत टाइम से ना अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फैमिली के मेंबर ही हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, और साथ के साथ ना इनका ये बेटा है जप्पी जो बहुत बढ़िया वाली ना वीडियोज़ वगैरह एडिट करता है, और इसने मुझे अपना काम वगैरह भी दिखाया है, इसका इंस्टाग्राम पे पेज भी है। बाकी इसके साथ ना मेरी फ्यूचर की ना बहुत सारी वाली प्लानिंग होने वाली है, ये चीज़ मैंने ना पहले ही बता दिया क्योंकि ना लड़के के अंदर ना जोश है और जुनून है, तो वो सारी चीज़ें देखकर ना मेरे को ना यार लाइक अपने वाला टाइम याद आ गया कि यार
ऐसी बातें तो मैं भी करता होता था, ऐसे जुनून तो मेरे अंदर भी था। मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि पढ़ाई कर ले और साथ के साथ वीडियो एडिट कर लियो। की तो एक भी बारी बात नहीं करी है, और ना वीडियो एडिट को लेकर और सारी ये ब्लॉग्स को लेकर, शूट्स को लेकर, फोटो एडिट को लेकर, उसी के बारे में बातें करी जा रहा है, पढ़ाई के बारे में बातें नहीं कर रहा। और मैं बार बार इसको ही बोल रहा हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, ये सारे काम ना बाद में भी सारी जिंदगी चलते रहेंगे, बट अभी पढ़ाई कर ले। तो कह रहा है नहीं नहीं वो भी करूंगा और ये भी करूंगा। तो ठीक है यार, लड़के के ना जुनून है तो मेरे को ना बहुत बढ़िया लगा। और साथ के साथ ना मतलब अगर इसका काम अच्छा हुआ ना तो ये अपने साथ ना मतलब लॉन्ग टर्म रहने वाला है। वैसे तो लॉन्ग टर्म रहेगा ही रहेगा, चाहे काम अच्छा हो या ना हो, क्योंकि बंदा बढ़िया है। अरे थैंक यू भाई, ठीक है। मेरे को बाजी का नेचर बहुत बढ़िया लगा, मैं जब भी मैसेज करते थोड़ी देर बाद जब भी इनको टाइम मिलता उसी टाइम रिप्लाई आ जाता, और बहुत ही हेल्पिंग। कोशिश तो यही रहती है कि सबको रिप्लाई करें, बाकी लगा रहता है सब चीजें। चलो ठीक है, थैंक यू है यार इसके लिए। ओके थैंक यू है बत्रा जी, आपका बहुत बहुत। ओके भाई जी, ओके जी, ओके बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है भाई साहब। गर्मियां जस्ट अभी स्टार्ट ही हो रही है और बहुत तेज वाली लग रही है। बाकी मैं यहाँ पर जिस भी काम से आया था ना वो अपने दोनों काम हो गए, और साथ के साथ इसको देखकर ना यार बड़ा मन करता है इसको चलाने का यार। बाकी यहाँ पर हमारी स्कूटी खड़ी है, ओके जी बाय बाय, और यहाँ पर अपनी स्कूटी खड़ी है, तो चलते हैं फटाफट से। स्कूल के बच्चों के बैग्स भाई साहब इतने भारी हो चुके हैं ना, मतलब इतना वेट ना बच्चों का बेचारों का खुद का नहीं होता जितना उनके ना बैग का वेट होता है। लड़की को ना मतलब देख के पता लग रहा है कि बेचारी का शोल्डर वोल्डर कैसे पेन हो रहे होंगे, थक रहे होंगे। बेचारी बार बार अपने ना शोल्डर्स पे हाथ मार रही है, और पहले से ना यार पढ़ाई का बर्डन ना वैसे बहुत ज़्यादा वाला हो चुका है। अपने टाइम पे ना बैग्स में इतनी किताबें नहीं होती थी जितनी अब होती है, और अब वाली किताबों का तो भैया वेट भी बहुत ज़्यादा है। आज अपनी वीडियो के अंदर ना ये लिफ्टर भी आ रहे हैं, बट यार ये तो नकली वाली लिफ्टर वाली मशीन है, मतलब नकली लिफ्टर है ये, अपने को तो वही असली वाली चलानी है यार जो सुबह दिखाई थी आपको। पर मिथ्योर ओहो, जब से भाई साहब ये लॉन्च हुई है ना तब से मैंने इसको पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है। अदरवाइज इससे पहले ना मैंने मिट्योर को ना मतलब ऐसे सामने सामने कभी नहीं देखा, ना ही मैं कभी शोरूम वगैरह गया हूँ, इसको सिर्फ मैंने वीडियोस में देखा था। वैसे मैंने इस बाइक को ना बिल्कुल नहीं देखा। सर कैसी बाइक है ये, कोई कमी पेशी? अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली, आपने कितनी चला ली है? महीना हुआ है 3,000 किलोमीटर। ओके, लगती सही है सर ये? नहीं बढ़िया है, बढ़िया है ना, एनफील्ड की क्वालिटी से मच बेटर को करता है। ओके चलो, पहले इंटरसेप्टर चलाता था मगर उससे बेटर है। ओके ऊपर से कंफर्टेबल भी है, सिटिंग पोस्चर जो उसका नहीं था वो इसमें सब ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये लंबे टूर के लिए और बेटर है। मेरे पास पहले ना जीटी कॉन्टिनेंटल थी, तो मेरी बैक में प्रॉब्लम आ गई उसके, जब उसकी वजह से मैंने वो बेच दी। हाँ उसको मैं लॉन्ग राइड में ना लेके जाता था संडे वाले दिन, तो वापसी के टाइम पे ना भाई साहब बहुत थकावट होती थी, और घर पहुँच के तो ना कुछ हिम्मत नहीं बचती थी। ठीक नहीं है। हाँ वो ठीक नहीं है, 50-60 किलोमीटर के बाद आपकी बता देगा। हाँ ये लंबी है, ये मैं इसमें 800 किलोमीटर एक लाइन में खींच चुका हूँ। ओके चलो गुड बाय सर, बढ़िया लग रही है भाई का फिंगर, गुड लक है जी। आ रहा था कि देखो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और यहाँ पे ना काफी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, और भैया यहाँ से निकलते निकलते ना मेरा खुद का मन कर गया कि कुछ खा पी के चलते हैं। सो उसके चक्कर से ना मैं यहाँ पे रुका हूँ, यहाँ रुक के ना मैंने अपने लिए लस्सी ऑर्डर करी है, और साथ के साथ ना ये सामने अपना ना ये पनीर वाला परांठा बन रहा है, जो मैंने ना स्पेशल बोल दिया कि बिना फ्राई वाला बनाना है, तो वो बिना फ्राई वाला बना रहे हैं क्योंकि भूख लग रही थी, और ऊपर से अपने को ना यहाँ पे पनीर वाला परांठा मिल रहा था, तो मैंने कहा भैया ये बेस्ट ऑप्शन है अभी इस टाइम पे। अदरवाइज ना मैं साउथ इंडियन खाने के लिए जा रहा था, या फिर छोले भटूरे सोच रहा था ना यार, अभी ना साउथ इंडियन खाने का मन नहीं था, और यहाँ पर अपने को पनीर वाला परांठा मिल गया जो बिना फ्राई करके बन रहा है, तो मैंने कहा यार ये बेस्ट ऑप्शन है, पनीर वाला परांठा खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं और आपको भी बताते हैं कि इनका परांठा कैसा है। बट अपने को ना यहाँ से लस्सी मिली है, लस्सी भाई साहब चेक करो कितनी ही सुंदर लस्सी है, मतलब देखने में ना यार बड़ी प्यारी लग रही है। पनीर के अंदर की जो स्टफिंग है ना वो इतनी सही करी हुई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना पनीर की भुर्जी बना के परांठे के अंदर डाल दी, और भाई पूरा भरा हुआ है, पूरा अच्छे से भरा हुआ है परांठा हमारा, मस्त वाला भाई, बड़ा सही लग रहा है, ऊपर से फ्राई भी नहीं हुआ और गरम गरम है, इसको खाते हैं इंजॉय करते हैं और आगे मिलते हैं आपको, ठीक है। शाम को मार्केट से आने के बाद ना मैं आके ना सो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला थका हुआ था, साथ के साथ सिर भी दर्द हो रहा था, सो बीच में ना मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, बट अब रात का टाइम है और ना अभी इस टाइम पे ना मेरी तबीयत वगैरह भी बिल्कुल ठीक हो गई है। सो मैंने अभी का प्लान ये बनाया है कि एक तो ना छोटा सा ना मैं अभी बाइक पर मोटो ब्लॉग करने के लिए जा रहा हूँ, और साथ के साथ एक बहुत ही बढ़िया वाली भी मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के घर पर, उसकी ना बाइक है हार्ले की, तो वो बाइक मैं ना आज लेने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज मेरा मन है उस बाइक को ना 4-5 दिन अपने पास रखने का और थोड़ी
से उसके ऊपर ना मोटो ब्लॉग्स वगैरह बनाने का मेरा फ्रेंड है, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट करी। भाई वैसे भी अपने को बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है, तो भाई ने मना नहीं करा, भाई ने बोला कि आ जा और आके ला बाइक ले जा, कोई चक्कर नहीं है। बट ना अभी जस्ट ही घर के गली के बाहर आया हूँ ना, तो एकदम याद आया कि यार मेरे ग्लव्स कहाँ पर है, मैंने तो ग्लव्स भी उठाए थे, पर जस्ट अभी अभी याद आया कि भाई साहब ग्लव्स तो ना मैं घर के बाहर ही मतलब स्कूटी के ऊपर ना रख के भूल कर आ गया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हेलमेट वगैरह पहन रहा था, ग्लव्स मैंने साइड पर रखे थे, अब ग्लव्स पहनना भूल गया और जल्दबाजी में ना निकल पड़ा क्योंकि देर हो रही है। तो यार फटाफट ना पहले वापस दोबारा से जाना पड़ेगा ग्लव्स उठाने के लिए, जरा ग्लव्स उठा लेते हैं उसके बाद ना फिर दोबारा से मोटो व्लॉग बनाएंगे और देखेंगे यार वॉइस ठीक आनी चाहिए, क्योंकि यार लास्ट टाइम ना थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टर्बेंस थी। ये पड़े हुए मेरे ग्लव्स यहीं पर ही स्कूटी के ऊपर ही पड़े हुए थे यार, अच्छा हुआ फटाफट से याद आ गया, अगर अभी याद ना आता ना तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती, पता लगता कि कोई उठा के ले गया, नहीं तो सही है जी याद आ गया, थैंक यू बाबा जी का कि बाबा जी ने अभी ही मेरे को याद करा दिया। चलो चलते हैं, बाबा जी का नाम लेते हैं और आज का मोटो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी का। गाइस देखो वैसे तो मेरी अपनी वाली ये जो बाइक है ना ये भी बहुत ज़्यादा वाली मस्त है, बट स्टिल जो बाइक मैं अभी लेने के लिए जा रहा हूँ ना गाइस वो तो यार वैसे भी मतलब बहुत ही प्यारी बाइक है, एक तरीके से ना मेरी फेवरेट वाली बाइक है और अपने को ना बहुत सही लगती है, और यार उसकी ना आवाज़ उसकी पावर सारी चीज़ें बहुत बढ़िया वाली है। वैसे देखो कोई कमी मेरी बाइक के अंदर भी नहीं है, मैं अपनी बाइक से भी बहुत ज़्यादा वाला खुश हूँ, बट स्टिल यार कभी कभी ना मन करता है कि यार आज ये वाली बाइक चला ले कल वो वाली बाइक चला ले। ओहो एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, एक्सीडेंट हो गया, इतनी सारी पुलिस आ गई है तभी, चलो कोई बात नहीं चलते हैं आगे। सो गाइस अभी ना मेरे को जहाँ पे जाना है ना वो जगह यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और गूगल मैप उसमें ना 39 मिनट दिखा रहा है कि मेरे को 39 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, और ठीक है मैं एक्चुअली मैं ना पहली बार वहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये क्या कह रहा है अब मेरे को सीधा जाने के लिए कह रहा है कि राइट मुड़ने के लिए कह रहा है, भाई क्या जा रहा है तू बता दे। अरे यार ग्लव्स उतारना पड़ेगा, जल्दी करो, अरे 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 हो गया न्यूट्रल, हो गया बोला न्यूट्रल ही नहीं हुई, और सामने भी वैसे 48 सेकंड हैं, चलो फटाफट से ना ग्लव उतारते हैं। ये कह रहा है स्ट्रेट जाने के लिए, ठीक है स्ट्रेट चलते हैं, बाकी पता नहीं मेरे को ये कौन से रास्ते से ना लेके जाने वाला है, कौन से घुमा फिरा के रास्ते से लेके जाएगा, एक बार थोड़ा सा और देख लें यार क्लोज करके। ओके मैं समझ गया ये मेरे को कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। गाइस शादी से पहले ना मैं रात को ना काफ़ी लॉन्ग राइड्स पे बाइक को लेके जाया करता था, बट अब तो काफ़ी टाइम से ना मैंने रात को बाइक चलाई नहीं है। पुलिस वाले खड़े हुए थे, ओए क्या कर रहा है। चलो दोबारा से बोलते हैं, हाँ जी तो देखो गाइस जब से मेरी शादी हुई है ना तब से ना रात के टाइम पे ना मैंने इतनी लंबी राइड ना बाइक के ऊपर कभी नहीं मारी है। शादी से पहले मैंने ना रात के टाइम पे ना बाइक बहुत ज़्यादा वाली चलाई है, बहुत बारी बहुत दूर दूर तक गया हूँ, ठीक है इनफैक्ट दिल्ली से बाहर भी गया हूँ रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे तो मतलब बाइक राइड बहुत लंबी लंबी करी हुई है। कहने का मतलब ये है अगर कोई रात को मेरे को शादी से पहले बोलता ना कि भैया रात को चल निकलते हैं मसूरी चलते हैं ऋषिकेश चलते हैं या कहीं शिमला वगैरह या नैनीताल वगैरह कहीं चलते हैं तो मैं निकल पड़ता था, बट यार अब ना जब से शादी हो गई है ना तब से ना मैंने रात के टाइम पे ना बाइक यार चलाई नहीं है, इनफैक्ट आज भी जितनी दूर जा रहा हूँ ना इतनी दूर भी नहीं गया जब से शादी हुई है। सच्ची बताऊँ ये वाला जो रास्ता है ना यही रास्ता है ना आगे चांदनी चौक और सीजन गुरुद्वारा साहिब की साइड पे लेके जाता होता है, तो जब मैं अपने पापा के साथ ना यहाँ से निकलता होता था ना उस टाइम पे ये वाले जो ब्रिज है ना ट्रेन वाले बेसिकली ट्रेन के जो क्रॉसिंग वाले जो ब्रिज हैं ये पहले बहुत ही ज़्यादा वाले वीक हुआ करते थे, और ना जब ऊपर से ट्रेन निकलती थी ना तो हम लोग ना यहाँ पर साइड पर खड़े होकर वेट करते थे कि कब ट्रेन निकल जाए तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे। रीज़न ये होता था कि ऊपर से अगर कोई ना ट्रेन के अंदर बैठ के वॉशरूम यूज़ कर रहा होता था ना तो भाई साहब वो पूरा टप टप होता था, बट अब तो गवर्नमेंट ने ना ये बड़ा सही बना दिया और ये नया बनाया बेसिकली, काफ़ी टाइम लग गया गवर्नमेंट को बनाने में इस सारी जगह को, क्योंकि ये वाला जो रूट है ना ये बहुत ही बिजी रूट है, दिन के टाइम पे तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक होता है, ताकि इन्होंने ना दोनों साइड्स पे ना वॉल पे ना बहुत प्यारी सी ना दिल्ली की ना पेंटिंग करी हुई है, पूरा दिल्ली का एक कल्चर और दिल्ली का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बट अभी ना रात के टाइम है ना तो अभी ना ढंग से ना ब्लॉग में ना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमारा जो गोप्रो है ना वो रात के टाइम पर ना बहुत अच्छी वाली रिकॉर्डिंग नहीं करता, बट यहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो शायद अब आपको दिख जाएगा, चेक कर रहे हो मतलब ये पूरी वॉल के ऊपर ना दोनों साइड पे, उस साइड पे तो ख़त्म हो गया बट इस साइड पे पूरा यहाँ तक बहुत बढ़िया वाली पेंटिंग करी हुई है। अब बात ये आती है कि हम लोग उसको ना कितने अच्छे तरीके से ना मेंटेन करके रख सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको हम पब्लिक इसको कब तक साफ़ सुथरा रहने देंगे, क्योंकि पब्लिक है भाई, पब्लिक कभी भी ना
बिकॉज कुछ पब्लिक ऐसी होती है जो ना चलते फिरते ना वो पिचकारी मार देती है पूछ पूछ करके, जो मतलब सारा टाइम मुंह में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं यार, उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोगों की वजह से ना खासकर हमारी इंडिया के अंदर ना बहुत गंदा है। सो गाइज हम पहुँच ही गए हैं अपने भाई के सोसाइटी में। भैया सोसाइटी बहुत ही बढ़िया वाली है। सोसाइटी के देखो बीच में पार्क है और उसके चारों तरफ घर है। देखो मेरा दोस्त रहता है कहाँ पर है, वहाँ पर तो कैमरा ऑन नहीं करूँगा, पता नहीं भाई अगला बंदा ऑब्जेक्शन ना करे, बट स्टिल भाई हमारा बहुत अच्छी वाली सोसाइटी में रहता है और हम पूछते पूछाते यहाँ पर पहुँच गए हैं। बाकी देखो भाई भागना नहीं है, प्लीज़ भागना नहीं है, डर लगता है ऐसे। हमारी आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, ऐसे ही आप भागोगे पता लगे हमें काट लो, है ना भाई, क्या पता काट लें। लाइटा लगिया ने ना, हाँ जी हाँ जी, येलो कवर है गए ने। ओके कवर है गए ने, ठीक है। और ऐसे टूल किट पई है, ठीक है। और ये कुछ और डब्बा कोई कोई तोड़ी काम दी चीज दी नहीं गई ना अंदर, ठीक है। और केड़ा फोन कनेक्ट करोगे? मैं अपना वाला एंड्राइड लगा लगा गाने वगैरह डाउनलोड करने बैठ के। ये सारे गली वाले जाग जाएंगे। तो हाँ जी, इस वाली बाइक के साथ बहुत ही ज्यादा वाला मजा आने वाला है। सो यार देखो मैं ना इसका ब्लॉग आपके साथ ना नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ, बट मैंने ना इस वाली वीडियो के अंदर आपको दिखा दी है कि देखो मेरे को ना ये वाली बाइक मैंने अपने ना फ्रेंड के घर से उठा ली है, और इस बाइक के क्या फीचर्स हैं, इस बाइक के अंदर क्या क्या एसेसरीज लगी हुई है, उन सारी की सारी ना मैं डिटेल वीडियो ना कल या परसों बना के ना एक आधी नेक्स्ट वीडियो में ना आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ना काफी सारा सामान लोडेड है। मैं इसकी वीडियो खुद ही बनाऊंगा और साथ के साथ ना इसको ना इस बारी मैं संडे राइड पर भी लेके जाऊंगा। और ये बाइक है हमारे दलजीत पाजी की। दलजीत पाजी थैंक यू आपका बहुत बहुत, आपकी वजह से हम ना इस बाइक के मजे लेंगे। बंद करो यार, बंद करो, ये बंदा ना मतलब बात करते कहता कैमरा बंद कर दे यार, तू कैमरा मत ऑन करा कर यार। कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, केड़ा तुसी नंगे घूमते पे गए हो। ओके ये बैटरी चार्जर है, एवें लगेगा और एनू बस प्लग कर देना, प्लग इन कर दे फास्ट चार्जर, ऑरेंज लाइट जल जाएगी और 15 मिनट के अंदर ही ग्रीन लाइट सॉलिड हो जाएगी, तो मतलब फुल चार्ज हो गया। ठीक है, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है, ऑरेंज सॉलिड है तो मैं चार्ज हो रही है। ठीक है, ग्रीन सॉलिड लाइट इज फुल चार्ज हो गई है, डन है, बंद हो जाएगी जेडी ब्लिंक कर रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलो गाइस ये वाली वीडियो को ना हम यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो ना हमारी पूरे दिन की बन चुकी है, और इस बाइक की मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, वो आपको ना मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये बाइक अपने को ना बहुत सही लगती है और इस वाली वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मोटो ब्लॉग दिखाएंगे, और आई होप कि आपको हमारी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा लेना, साथ के साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय बाय। क्या कह रहे हो? बाकी तो रहोगे अनु भी लॉक कर देना, ठीक है। ऐसी जी तो चाहे जिंदगी है।